दोस्तों कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं उड़द की तेजी मंडी के रिपोर्ट के बारे में। उड़द में कुछ तेजी की संभावना नजर आ रही है, तो आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों बात करते हैं उड़द पर तेजी मंडी रिपोर्ट। उड़द का भविष्य क्या रहेगा? काफी दिनों से बाजार मंदे थे और अब तेजी की सुगबुगाहट नजर आ रही है, तो तेजी क्यों रहेगी, कितनी रहेगी, किस कारण से रहेगी और मंदा क्यों था, पूरा विश्लेषण समझ लेते हैं। लगातार बाजार मंदे की चपेट में चल रहे थे और उसका कारण यह था क्योंकि आयातित माल का लगातार दबाव बनता जा रहा था। फरवरी और मार्च माह दोनों महीने में लगातार आयातित माल का दबाव रहा और सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखा था, मगर बड़े बड़े आयातक हाईकोर्ट से इसलिए लेकर लगातार माल मंगा रहे थे और जो पोर्ट पर माल आ चुका था उनको रिलीज़ करा दिया, जिसकी वजह से फरवरी और मार्च महीना मंदी की चपेट में आ गया। अब मार्च का अंत आज 30 तारीख और लगभग अप्रैल की शुरुआत बाजार में तेजी के साथ, ऐसा हमारा विश्लेषण। उसका कारण पूरा रीज़न सही अपन समझेंगे। और देश का पूरा व्यापार एक तरह से चौपट हो चुका था काफ़ी दिनों से आयात की वजह से, और कुछ तेज़ी आने के बाद बाज़ार पुनः मध्य हो जाते हैं क्योंकि लगातार आयात हो ही रहा था। और अब बात करते हैं, आयात तो लगभग बंद हो चुका है और मार्च 31 मार्च की लिमिट थी, अप्रैल से पुनः आयात होता है, मगर अप्रैल और मई महीने में आयात नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्लेषण है, जिसकी वजह से बाजार तेज होंगे। तो नंबर एक पॉइंट बात करते हैं नई फसल। दक्षिण भारत की नई फसल लगभग आ चुकी है साउथ साइड की, सिर्फ आंध्र प्रदेश की फसल को छोड़कर सभी फसलों का दबाव लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ दबाव आंध्र प्रदेश का है, वो इतना विशेष महत्व नहीं देगा। देश की सभी मंडियों में आवके लगभग समाप्त होने की कगार पर है क्योंकि बहुत कम मात्रा में आवके आ रही है, काफ़ी कम मात्रा में आ रही है। राज्यों के अनुसार लगभग सभी राज्यों की फसलें आ चुकी है, कुछ ग्राहकी भी निकल रही है, जिससे अप्रैल में बाजार लगभग तेजी की ओर अग्रसर होंगे। तो एक और कारण बात करते हैं, इस वर्ष उत्पादन कम हुआ है और मगर उसका कारण उत्पादन कम होने से भी बाजार तेज नहीं हुए, धीरे धीरे घटते गए, जैसे जैसे बाजार तेज खुले थे क्योंकि लगातार आयात होता जा रहा था, आयात की वजह से लगातार बाजार गिरते गए। कि उत्पादन कम होने के बाद भी बाजार नहीं बढ़े, उसका कारण यह रहा है कि एक तो नोटबंदी और GST, जिसकी वजह से लगभग बड़े बड़े स्टॉकिस्ट बाहर हो चुके हैं और मैदान से एकदम बाहर है। फसल कमजोर होने पर भी कोई भी स्टॉकिस्ट सक्रिय नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लंबी तेजी नहीं मिल रही, इसका एक सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यह रहा था। डीलर्स द्वारा भी लगातार सिर्फ अपनी दैनिक आवश्यकता अनुसार ही खरीदी कर रहे थे और लंबी खरीदी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से भी तेजी नहीं बन पा रही थी। तेजी नजर आ रही है अप्रैल की शुरुआत तेजी के साथ उड़द में। और बिहार साइड की बात करें, MP साइड की बात करें, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, सागर, नीमच, साउथ में लगभग सभी जगह लगभग माल निपट चुका है। ललितपुर, चंदौसी, यूपी में बात करें, राजस्थान में बात करें तो कोटा, और लगभग सभी लाइनों का माल लगभग एक तरह से समाप्त है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, भटपाड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो बर्मा में इस बार उत्पादन कुल 5 लाख टन लेने का अनुमान है, 4 लाख टन नई फसल प्लस 1 लाख टन पुरानी फसल का अनुमान। बर्मा में स्टॉकिस्ट भी अभी सक्रिय हो चुके हैं क्योंकि उनकी लेवाली भी जोरदार है, जिससे बाजार में अभी तेजी आने की संभावना लग रही है अप्रैल महीने में। बर्मा में पाकिस्तान की डिमांड भी आ चुकी है, पाकिस्तान द्वारा भी आयात बर्मा से किया जा रहा है, जिससे बर्मा में स्टॉकिस्ट सक्रिय हैं और कुछ फसल में तेजी आ रही है उड़द में वहाँ पर भी। तो तेजी के क्रमवाइज विश्लेषण कर लेते हैं, कारण क्या है। अप्रैल और मई महीने में आयात नहीं होगा क्योंकि नई सरकार का गठन होने के पश्चात ही आयात से संबंधित फैसले पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि मात्रात्मक आदेश तो 31 मार्च को खत्म हो गया, मगर अप्रैल मई महीने में भी आयात नहीं होगा। और देशी मालों में जो छोटे व्यापारी लगभग नुकसान में माल बेच रहे थे, अब लगभग वो माल बेचने से बिल्कुल ही एक तरह से बंद हो चुके हैं, माल नहीं बेच रहे हैं, बिल्कुल गायब हो चुके हैं और लेवाल बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। एक तो बेचवाल गायब है और लेवाल एक्टिव है, जिससे एक तेजी का माहौल बना रहेगा और तेजी की मनोवृत्ति बिल्कुल दिख रही है। ग्राहकी भी निकली है क्योंकि सब्जियां लगा अभी महंगी हो चुकी है और कुछ दिन और महंगी रहेगी, जिसकी वजह से दालों की तरफ भी उपभोक्ताओं का रुझान जाएगा, जिससे दालों में ग्राहकी रहेगी और बाजार में कुछ उठाव आएगा। शादी ब्याह के सीजन भी स्टार्ट हो जाएंगे तो एक तेजी का माहौल बना रहेगा। और महाराष्ट्र कर्नाटक में कमजोर बिकवाली से भी सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर भी बिकवाली लगातार कम हो रही है। पूरे देश में दलहनों में तेजी का रुख रह रहा है, एकदम मनोबल और मनोवृत्ति पूरी चेंज हो चुकी है। मंदी की मनोवृत्ति से लगभग सभी जगह तेजी की मनोवृत्ति में आ चुके हैं, वो भी एक सपोर्ट करेगा उड़द की तेजी लाने के लिए। और वर्तमान भाव की अपन बात करें तो लगभग 3500 से 4000 और 4000 से 4300 रुपये तक बिक रहे हैं, 4000 से 4300 बढ़िया माल, ऊपर में 4500 रुपये तक तो बिक ही रहे हैं बढ़िया लॉट। तो अब तेजी की स्तर रहेगा 4500 से 5000 रुपये तक जाएगा बढ़िया माल, और बढ़िया वालों में लेवाली अच्छी रहेगी
वर्तमान में 300 से 500 रुपये तक की तेजी और 5000 को क्रॉस भी कर लेगा उड़द तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 4500 तो अभी भी बढ़िया माल बिक रहे हैं मंडियों में। मई माह में तेजी मिलेगी आपको माल बेचने के लिए, लगभग उड़द 4000 से 4500 और 4500 से 5000 के स्तर पर रहेगा, तो इस तेजी में आप माल बेचकर निकल भी सकते हैं, आपके पास मौका मिलेगा, क्योंकि नया आयात जो भी शिपमेंट होगा वो लगभग नई सरकार के गठन के बाद ही आएगा, तो जून के मई और जून के पहले लगभग संभावना कम दिखती है आयात की, तो अच्छा मौका है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल, जिस पर रोजाना आपको नीमच मंडी के भाव की जानकारी दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।